एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में आज आपको बताएंगे। एल्डिहाइड एंड कीटोन ये भी आपका जो है ऑर्गेनिक सबस्टेंस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका है, कार्बनिक यौगिक। एल्डिहाइड एंड कीटोन क्या है? एल्डिहाइड एंड कीटोन का मतलब वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह, या तो ऐसे लिखिए या ओआर सी डबल बॉन्ड ओ, मतलब कार्बन की चार वैलेंसी, दो वैलेंसी फ्री है और बाकी दो वैलेंसी ऑक्सीजन से सैचुरेटेड हो, तो इसको कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप, या आपको कार्बोनिल ग्रुप कहलाएगा। तो जिस कार्बनिक यौगिक में कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा होगा उसको हम बोलेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसका मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों आपको कार्बोनिल कंपाउंड है, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n(O)। तो कार्बोनिल जितने भी कंपाउंड है उसमें दो तरह के कंपाउंड पड़ोगे, एक एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन है। कार्बोनिल जितने भी कंपाउंड, उनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n(O), जहां यन नंबर ऑफ कार्बन है। अब यन का मान अगर एक ले लें सपोज, तब ये हो जाएगा C1H2n2O, जिसको हम लिखेंगे HCHO। देख लीजिए एक कार्बन है, दो हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन, तो ये हो गया CHO, कार्बोनिल ग्रुप का कहलाएगा एल्डिहाइड, जिसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। ये आपका एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर हो गया, पूरे कार्बोनिल का फर्स्ट मेंबर हो गया, जिसको बोलेंगे फॉर्मल्डिहाइड। दूसरे नंबर पे यंग का मान अगर हम 2 ले लें तो C2H4O। अब इसको अगर हम स्ट्रक्चर में लिखें तो CH3CHO। अब ये आपका CHO इसमें आ गया, ये भी एल्डिहाइड है। तो जब कार्बोनिल ग्रुप CHO के रूप का होगा तो उसको हम बोलेंगे एल्डिहाइड। तो ये हो गया पहला फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा ये हो गया आपको एसीटल डिहाइड। सब कॉमन नेम है एसीटल डिहाइड। अब यन का मान अगर 3 ले ले, यन इक्वल 3, तो C3H6O। अब इसको एक्सप्लेन करिए तो CH3CH2CHO, मतलब तीन कार्बन है, 1 2 3, हाइड्रोजन यहाँ 6 है, 3 2 5, 1 6, 1 ऑक्सीजन। अब ये तीन कार्बन का एल्डिहाइड है तो इसको बोलेंगे हम प्रोपेनल डिहाइड, इसको हम नाम देंगे प्रोपेनल डिहाइड। प्रोपेनल डिहाइड में CHO है इसलिए एल्डिहाइड है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तीन कार्बन यहां भी देखो है, 6 हाइड्रोजन, 3 3 6, 1 ऑक्सीजन। अब ये कार्बोनिल ग्रुप का क्या हो गया? कीटोन। तो कीटोन जो होगा नंबर 3 कार्बन से होगा, तो नंबर 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, लेकिन जिसमें नंबर 1 कार्बन होगा वह केवल एल्डिहाइड होगा, फॉर्मल्डिहाइड। जिसमें 2 कार्बन होगा वो भी केवल एल्डिहाइड होगा, एसीटल डिहाइड। लेकिन जिसमें 3 कार्बन होगा वह एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। एल्डिहाइड में प्रोपेनल डिहाइड और कीटोन में आपका जो हो गया ये कहलाएगा एसीटोन। और ये एसीटोन जो होता है पायरोक्लिनियस अम्ल में पाया जाता है, लकड़ी का जब भंजक आसवन कराएंगे तो उसमें जो पायरोक्लिनियस अम्ल प्राप्त होगा उसमें मेथिल अल्कोहल एसिटिक अम्ल, उसी तरह से एसीटोन भी होता है। तो इसको आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। अब देखिए 3 कार्बन वाला आपने क्लियर कर लिया, 4 कार्बन वाले पे देखते हैं। यन का मान अगर 4 है तो यन का मान 4 है तो सी आपका 4 H 8 और O। अब इसको स्ट्रक्चर में देखें CH3 CH2 CH2 CHO, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। देख लेते हैं 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7, 1 8, 1 ऑक्सीजन, मतलब ये एल्डिहाइड वाले में हो गया। तो ये जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8O है उसका एल्डिहाइड होगा 4 कार्बन का ब्यूटरल डिहाइड, ये आपका ब्यूटरल डिहाइड। अब इसमें देखिए ये कीटोन को इंडिकेट करेगा, कीटोन में मतलब जब कार्बोनिल
में दोनों वैलेंसी कार्बन पूरा करेगा तो वो कीटोन होगा। इसमें भी चार कार्बन है, एक दो तीन चार, आठ हाइड्रोजन, तीन तो पांच, पांच तीन आठ, एक ऑक्सीजन, इसका नाम क्या है? इसमें दो ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड हो, ये तो कीटोन हो गया। अब एक तरफ है मेथिल और दूसरे तरफ है एथिल, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इसका नाम जो हो गया एथिल मेथिल और ये आपका हो गया कीटोन। तो यहां से हमने कंक्लूजन में ये सीखा कि जो भी एल्डिहाइड है वो आर सी एच ओ के रूप में होंगे और जितने भी आपके कीटोन हैं वो सब होंगे आर सी ओ आर डैश के रूप में होंगे। तो जनरल एल्डिहाइड हो गया आर सी एच ओ, मतलब इसमें सी एच ओ समूह जुड़ा होगा और कीटोन में सी ओ ग्रुप जुड़ा होगा, बाकी के दोनों वैलेंसी कार्बन से कंप्लीटेड होगी, तो उसको हम कह सकते हैं जस्ट आपका जो है कीटोन। तो ये है एलिफैटिक आपका एल्डिहाइड, ये भी आपका एलिफैटिक कीटोन। फिर हम डिस्कस एरोमेटिक पे भी आपका करेंगे और साथ ही साथ आपका जो हो गया इसके अनसैचुरेशन टर्म को भी आपका देखेंगे। तो कार्बोनिल की ये दोनों टर्म आपने थोड़ी सी जो है डिस्कस कर ली। अब इसके बारे में देखिए, जो कीटोन है उसका सामान्य सूत्र होता आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। अब इसकी दो कैटेगरी है, आर और आर डैश, ये दोनों के दोनों है एल्किल ग्रुप, ये आपका जो है एल्किल ग्रुप है। अगर ये दोनों एल्किल ग्रुप सेम है तो उसको हम कहेंगे सममित कीटोन, सिमेट्रिकल कीटोन, सरल आपको सिंपल कीटोन। अगर ये दोनों समान है तो उसको हम बोलेंगे सरल कीटोन, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये सरल कीटोन है क्योंकि दोनों एल्किल सेम है। इसको पढ़ेंगे डाई मेथिल कीटोन, ये कहलाएगा डाई मेथिल कीटोन। दूसरा एग्जांपल जैसे ले लें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब देख रहे हैं कि दोनों साइड यहां भी सेम है, ये दोनों साइड में ये एथिल एथिल है, तो ये कहलाएगा डाई एथिल कीटोन। तो डाइमेथिल कीटोन और डाइएथिल कीटोन में आर आर डैश के बराबर है, इसलिए इसको कहेंगे सरल कीटोन, या इसको एक और नाम दे सकते हैं सममित कीटोन, इसको हम सममित कीटोन भी बोलेंगे। ठीक है, अगर आर आर डैश के बराबर ना हो, नंबर टू आर नॉट इक्वल आर डैश, तब उसको हम कहेंगे मिश्रित कीटोन, तब उसको हम नाम देंगे मिश्रित कीटोन, या उसी को कहेंगे असममित कीटोन, अनसिमेट्रिकल कीटोन। तो कीटोन में अगर एल्किल समान है तो सरल कीटोन कहलाएगा, सममित कीटोन, और अगर एल्किल अलग अलग है तो उसको हम कहेंगे मिश्रित कीटोन या असममित कीटोन। अब जैसे असममित में देखिए एग्जांपल ले लें CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। अब इसमें ये देखिए C डबल बॉन्ड O ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल जो ग्रुप है उसकी जो वैलेंसी है दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा है तो ये कीटोन है। इस तरफ वाला ग्रुप मेथिल है, इस तरफ वाला ग्रुप मेथिल है और ये आपका जो ग्रुप है वह एथिल है, दोनों अलग अलग है इसलिए इसका नाम हो गया एथिल मेथिल कीटोन। तो एथिल मेथिल कीटोन असममित कीटोन कहलाएगा, मिश्रित कीटोन, और ये आपका जो हो गया डाइमेथिल कीटोन कहलाएगा, सरल कीटोन या सममित कीटोन। तो कीटोन में अगर दोनों एल्किल सेम होंगे तो सममित कीटोन, सिमेट्रिकल कीटोन, और कीटोन में अगर दोनों एल्किल ग्रुप डिफरेंट होंगे तो उसको कहेंगे हम असममित कीटोन। तो ये थोड़ा सा आपने डिस्कस कर लिया एल्डिहाइड पे और कीटोन पे, एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है। एल्डिहाइड कीटोन दोनों कार्बोनिल समूह के कार्बनिक यौगिक है, जिसका एक टर्म होता है एल्डिहाइड और दूसरा टर्म होता है कीटोन। इसका सामान्य सूत्र आपने क्लियर कर लिया एच एन, आपका जो हो गया सी एन एच टू एन इंटू ओ, इसमें नंबर एक कार्बन और नंबर टू कार्बन के एल्डिहाइड होंगे और कीटोन जो हो गया नंबर थ्री कार्बन से शुरू होता,
तो अगर इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में सामान्य सूत्र में यन का मान 3 है तो वो कीटोन भी हो सकता है और एल्डिहाइड भी आपका हो सकता है। उसके बाद हमने कीटोन का आपका क्लासिफिकेशन बता दिया, कीटोन में दो तरह के कीटोन हो गए, आर आर डैश के बराबर होगा तो सममित कीटोन होगा, आर आर डैश के बराबर नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, असममित कीटोन। अब एक एक में डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे आपका एल्डिहाइड है, यहां एल्डिहाइड क्या है, वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें CHO या उसी को बोलेंगे सी डबल बॉन्ड OH समूह जुड़ेगा उसको कहेंगे एल्डिहाइड। वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोनिल का CHO समूह जुड़ेगा उसको हम बोलेंगे एल्डिहाइड, जो दो रूप में पाया जाएगा, एलिफैटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो इसके भी दो रूप है, पहला रूप है एलिफैटिक एल्डिहाइड। अब एलिफैटिक एल्डिहाइड में भी दो होंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, इसमें भी आपके दो रूप होंगे, एलिफैटिक में आपका दो होंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जैसे सैचुरेटेड पे चलते हैं, सैचुरेटेड एल्डिहाइड, अब सैचुरेटेड एल्डिहाइड में सिंगल बॉन्डेड हो जैसे HCHO, दूसरा CH3CHO, तीसरा CH3CH2CHO, चौथा CH3CH2CH2CHO। अब ये देख रहे हैं कि जितने भी कार्बन है चेन में सब सिंगल बॉन्डेड है, तो सैचुरेटेड एल्डिहाइड है जिसमें पहले का नाम है फॉर्मल्डिहाइड, दूसरे का नाम है एसीटल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड और ये ब्यूटाल्डिहाइड है। अब अनसैचुरेटेड पे अगर चले, नंबर टू अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कोहल में बताया था, ये आपका एथीन है, एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो ये विनाइल हो जाएगा, अगर इसकी वैलेंसी CHO से पूरी हो तो ये कहलाएगा आपका अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, इसको हम कहेंगे विनाइल एल्डिहाइड। कॉमन रूप में इसको हम विनाइल एल्डिहाइड बोल सकते हैं, विनाइल से क्या जुड़ा है, एल्डिहाइड समूह, तो इसका नाम हो गया विनाइल एल्डिहाइड, जिसको कॉमनली हम बोलते हैं एक्रोलीन। तो ये आपको एक्रोलीन है, मेडिसिन में ज्यादा यूज होता है इसका। तो ये आपका अनसैचुरेटेड आपका क्या है, एल्डिहाइड, और ये आपका सैचुरेटेड एल्डिहाइड। एग्जांपल दूसरा ले लो, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CHO, इसमें भी देख रहे हैं कि कार्बन डबल बॉन्डेड है तो अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, तो विनाइल एल्डिहाइड ये है आपको एलाइल एल्डिहाइड, ये पूरा ग्रुप एलाइल ग्रुप है उससे जुड़ा है एल्डिहाइड, और ये ग्रुप विनाइलिक है तो ये विनाइल एल्डिहाइड और एलाइल एल्डिहाइड दोनों के दोनों क्या है, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, इसको आप नोट कर लीजिए।